तो बेबी का जो वेट है वो है 5 आउंस हो चुका है। जा रही हूँ अपनी ड्रेसिंग टेबल क्लीन करने के लिए, जहाँ पे मैं अपने सारा मेकअप का और स्किन केयर प्रोडक्ट रखती हूँ। सारा तो नहीं, मतलब मैं इतना सारा नहीं रखती हूँ, पहले रखती थी। पहले मुझे बहुत शौक था कलेक्ट करने का, बट अभी मेरा शौक खत्म हो चुका है। तो मेरी ये ड्रेसिंग टेबल का यूजुअली ये हाल इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं कभी कभार भूल जाती हूँ उसको बंद करना और ये खोलकर उसमें से सामान निकालने लग जाती है। अभी जैसे ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है वो पूरा समेट के रखा हुआ है इसने, ठीक है, इसमें सारी ज्वेलरी निकाल निकाल के फेंक देती है, आधी से ज़्यादा बर्बाद भी कर देती है। और ये रही ऊपर जहाँ अलमीरा जो है इसमें, मतलब एक्चुअली मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। तो ये है सेक्शन जहाँ पर मतलब मुझे चेयर लगा के चढ़ के देखना पड़ता है कि क्या है। तो अभी मुझे अभी देखना पड़ेगा क्योंकि इसको मैंने बहुत टाइम पहले सेट करा था, ठीक है। तो अभी मुझे इसके अंदर नहीं पता कि इसमें क्या है। और ये है वो सेक्शन जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जिसका बिल्कुल कबाड़ा बना हुआ है, मतलब आप देख रहे हो कितना कबाड़ा बना हुआ है। तो ये सेक्शन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, यहाँ पर मोस्टली मेरा स्किन केयर रहता है और थोड़ा बहुत बेसिक मेकअप रहता है जो फटाफट जैसे कभी बाहर जाना हो, लाइक बीबी क्रीम और लिप ग्लॉस, लिप बाम, ये सब यहाँ पे रहते हैं। और जो ये लास्ट सेक्शन है जो जहाँ तक तुषा का हाथ पहुँच रहा है, ये ज्वेलरी वाला सेक्शन है, तो यहाँ पर रहती है मेरी मोस्टली सारी ज्वेलरी। और बैग ऐसे ही ठूस रखा है मैंने, लेकिन यहाँ पे बैग नहीं रहता, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी रहती है। और फिर उसके बाद नीचे 3 सेक्शन आते हैं। तो ये मैंने अमेजोन से मंगवाए थे लॉक करने के लिए, क्योंकि बार बार तुषा खोल देती है, तो उसको जब मैं लॉक कर देती हूँ तो फिर तुषा नहीं खोलती है। और कभी कभी ऐसा होता है मैं भूल जाती हूँ और फिर तब उसी दिन मैस स्टार्ट हो जाता है। तो ये है 3 ड्रॉर, फर्स्ट ड्रॉर, सेकेंड ड्रॉर और ये है 3rd ड्रॉर। तो जो फर्स्ट वाली ड्रॉर है इसमें मोस्टली मेरी लिपस्टिक्स रहती हैं। और ये जो पोर्शन है इधर मैं अपना नेल पेंट का कलेक्शन रखती हूँ। एक्चुअली में ये चॉकलेट बॉक्स था, इसका DIY करके मैंने बना रखा है नेल पेंट रखने के लिए। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर करा था स्पेशली लिपस्टिक्स रखने के लिए। और ये अभी खैर सारी लिपस्टिक्स इसमें नहीं है, मुझे अरेंज करनी पड़ेगी, कुछ इसमें से हटानी पड़ेंगी जो ख़राब हो चुकी है। और ओके बस, और कुछ तो कुछ नहीं, यहाँ पे लिपस्टिक्स रहती है मेरी। नेक्स्ट सेकेंड ड्रॉर है, इसमें मेरी आई शेडो पैलेट्स रहती हैं। तो मेरे पास ज़्यादा आई शेडो पैलेट्स नहीं है, 1-2 ही आई शेडो पैलेट हैं, ठीक है। तो वो सारी इसी में रहती हैं, मतलब आईज मेकअप का जितना भी सामान है वो इसमें रहता है। और फाउंडेशन भी इसमें मैं रख देती हूँ। और जो ये लास्ट ड्रॉर है इसमें मेरे हेयर टूल्स रहते हैं। तो मेरे पास हेयर टूल्स ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ये 3 ही हेयर टूल्स हैं। एक तो ये अगारो का स्ट्रेटनर है और ये फिलिप्स का ड्रायर है। और इसमें है अगारो का ही 3-in-1 स्टाइलर, इसमें क्रिम्पर भी है। मैं अभी सारा क्लीन करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। करेंटली ये वाली हालत है। और ज्वेलरी बॉक्स जो है मैं आपको अलग से दिखाऊँगी, ठीक है, उसको मैं सेट करने के बाद आपको मतलब ज्वेलरी का अलग से दिखाऊँगी, बाकी और चीज़ जो है मैं आपको एक साथ दिखा दूँगी। और यहाँ पर ये त्रिशा मैम है, तो ये अपना हेयर स्टाइल कर रही है। त्रिशा आप अपना हेयर स्टाइल कर रहे हो, वाह। तो त्रिशा को पता है इसमें मम्मी अपनी हेयर स्टाइल करती है, तो त्रिशा भी हेयर स्टाइल कर रही है। तो जैसे ही मैं खोलती हूँ तो त्रिशा का एक काम होता है फटाफट खकोरा मार के चीज़ें, और जैसे ही इसे देख लेती है ना कि मेरी आँख और इसकी आँख मिल जाए कि मेरा कुछ गलत काम कर रही हूँ, वैसे ही इसमें से सारा सामान निकाल के बहुत तेज़ी से फेंकती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मैस हो रखा है। आई डोंट नो मैं इसको भी साफ कर पाऊँगी आज या नहीं, लेकिन आई ट्राई। मतलब एक छोटी सी अलमीरा यह हो ही जाएगी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। तो इसके साथ ये मिरर अटैच है पूरा, ठीक है, ये पूरा मिरर इसके साथ ही अटैच है ड्रेसिंग टेबल के साथ। और सबसे खास बात मुझे ये लगती है इस मिरर की, और ये देखो ये वॉल का ऐसा हो गया, पता नहीं सीलन की वजह से हुआ है। अभी लास्ट ईयर तो ये नहीं था, तो इस पर मुझे वॉलपेपर लगाना पड़ेगा। और आई थिंक मैं इस वाले एरिया में अपना मतलब कपड़ों जो गेट रेडी विद मी है कपड़ों वाला, वो मैं इस वाले एरिया में करने वाली हूँ। वैसे तो मैं मोस्टली बाहर ही शूट करती हूँ, लेकिन आई थिंक गेट रेडी विद मी के लिए ये वाली स्पेस सबसे अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट लाइट भी जा रही है और एकदम अच्छा सा स्पेस बना हुआ है ना तिशा? ऑल राइट, तो ये आपने शीशा देख लिया। अब इस शीशे में एक चीज और है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तिशा एक बार हटना बेटे साइड में, ओके। तो तिशा, तिशा नहीं, ये जो मिरर है, ठीक है, ये अंदर की तरफ
स्लाइड भी हो जाता है, तो जो हाथ में लग जाएगी, बाबू हटो, ये अंदर की तरफ स्लाइड हो जाता है, ठीक है, पूरा स्लाइड होके अंदर चला जाता है, तो फिर काफी स्पेस बन जाती है, लेकिन मोस्टली ये खुला ही रहता है। या मैं आपको बाद में अच्छे से दिखाऊंगी, है ना। तो गाइस जो है ड्रेसिंग टेबल साफ करने से पहले मैं चाय पीऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत तेज जुकाम हो रखा है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रखी है मुझे। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी क्या क्या प्रॉब्लम मुझे अभी इस समय फेस करनी पड़ रही है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने सारा सामान निकाल लिया है और अभी ऊपर वाली ड्रॉर में से सामान निकालना बचा है और जो लास्ट वाली जिसमें मैं हेयर टूल रखती हूँ वो भी निकालने के लिए बचा है। आज मेरा बहुत सारा मेकअप का सामान जो है वो फेंकने वाला है और बहुत सारा मेकअप का सामान ख़राब होने वाला है, क्योंकि इन्होंने अभी से ख़राब करना स्टार्ट कर दिया। ये देखो ब्यूटी ब्लेंडर तो इन्होंने ख़राब कर ही दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं तीशा, नो बाबू, अब नहीं, अब एक बार अलाउड कर दिया ना मम्मा ने, अब बस ये लिपस्टिक है, बस इसी से खेलो आप, ठीक है, बाकी सब मम्मा अरेंज कर देंगे, ठीक है। जो है मेकअप की अलमीरा को जितने भी, अब मैंने सारा मेकअप का सामान बाहर निकाल लिया है, ठीक है, इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट है जो मैं थोड़ा सा हॉल वीडियो दूंगी उसके लेकर, ठीक है, वो अभी जस्ट मुझे रिसीव हुए हैं एंड अभी फिलहाल सारा सामान बाहर निकाल लिया। अब मैं पहले अलमीरा को साफ करूंगी, फिर उसके बाद अपनी ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके फिर मैं आपको शो करती हूँ और कुछ कुछ प्रोडक्ट्स भी शो करूंगी आपको हॉल में, सब नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, है ना। ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है मैंने अमेजोन से लिया था, ये अब तक का सबसे अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको जो है ड्रेसिंग टेबल में ही रखूं या इसको वहां से हटा दूं, अभी इतना मुझे नहीं पता है। लेट्स सी, अभी मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं आपको शो करूंगी। और गाइज ये जो सीरम है ना इसका तो मैं क्या बताऊं, ये मेरा सच में फेवरेट सीरम है, मतलब ये वाला तो ख़त्म हो चुका है, मैंने अभी छोटा वाला भी मंगाया, इसको मैं रीस्टॉक करती रहती हूँ बार बार, ठीक है। और देखो ये जिसमें मोस्टली सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, आई एम सो ब्लेस्ड, मैं इतनी अपने आप को ब्लेस्ड समझती हूँ और वो भी अपनी ऑडियंस की वजह से अपने आप को ब्लेस समझती हूँ कि इसमें से मतलब मोस्टली सारे प्रोडक्ट जैसे ये है स्किन केयर या सिटाफिल हो गया या क्लिंजर हो गया वो मैंने खरीदा होगा, और इसमें से मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, सब मुझे पीआर में से मिले हैं। और इस अलमीरा में एक्चुअली मैं अपने पीआर्स को डिवाइड कर देती हूँ, और ये देखो ये मेरे ब्यूटी ब्लेंडर से पोछा लगा रही है और ये इसने मेरे ब्यूटी ब्लेंडर का हाल बनाया, देखना जरा। और आप देखो धीरे धीरे करके सारा सामान खराब होगा, तो मैं ये कह रही थी कि इसमें मोस्टली सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरे को पीआर में मिले हैं, और ये मुझे ना ये दीवार बिल्कुल भी नहीं अच्छी लग रही, इस पर मुझे वॉलपेपर लगाना पड़ेगा, पीआर में मिले हैं। एंड जो मेरा स्किन केयर है वो मैं बाय करती हूँ, ठीक है, जैसे मेरा फिक्स स्किन केयर है, हाँ कभी कभार मैं प्रोडक्ट को ट्राई करती हूँ, हिट एंड ट्रायल करती हूँ, लेकिन जो मेरा स्किन केयर रूटीन है वो सेम ही रहता है, जिसमें ये लॉरियल हाइलुरोनिक एसिड वाला ये जो है मेरा गो टू सीरम है। तीसरा नहीं करो बाबू, ओके तो अभी मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो जब मैंने सामान निकाला है तो आप देखो कितना सारा गंदगी हो रखी है, तो इसको मुझे जो है कोलीन से साफ़ करना पड़ेगा, और मेरे पास शीट नहीं है और अखबार में बिछाना नहीं चाहती उसमें, क्योंकि वो थोड़ा एस्थेटिक नहीं लगता अखबार, थोड़ा मतलब देखने में मुझे सही सा नहीं लगता, तो इसलिए मैं नहीं बिछाना चाहती हूँ। तो अभी मैं इसको ऐसे ही साफ़ करके और इसी के ऊपर सामान रख दूँगी, और मे बी शीट वगैरह लूँगी बाद में और उसको इसके ऊपर रखूँगी। जब ये सफाई चल रही थी तो मीनवाइल जो ये है त्रिशा का कार्यक्रम मेकअप डिस्ट्रॉय करने का चल रखा है, आधे से ज़्यादा ये ब्लश है जो चिपका रखा है इसने। ऑलराइट गाइस, सो कुछ हॉल कर देती हूँ छोटा सा। तो ये है शुगर की, ये वाली पता नहीं कौन सी, आई थिंक ये लोकल आई शेडो पैलेट है जो टूटी फूटी पड़ी है, तो ये वाली शुगर की है। इसमें दो है, एक तो न्यूड लुक है और एक स्मोकी वाला है, तो जो स्मोकी वाला है उसमें आप, ये वाला स्मोकी वाला है, इसमें आप न्यूड लुक भी कर सकते हो और स्मोकी भी कर सकते हो। और एक जो दूसरी वाली आई शेडो पैलेट है ये वाली तो वॉरियर है, और नेक्स्ट आई थिंक पता नहीं इसका क्या नाम है, ये न्यूड लुक के लिए। और फिर ये ब्यूटी ग्लेस की जो है ये पैलेट है, इसमें मतलब कलर थ्योरी इस्तेमाल हुई है, यानी कि सेम कलर दे रखे हैं लाइट टू डार्क, और अलग अलग मतलब इसमें
अलग अलग शीट्स में कलर दे रखे हैं, लेकिन इसके पिगमेंट्स कुछ इतने खास नहीं है, लेकिन ये वैसे तो कलर थ्योरी का इन्होंने पूरा मतलब यूटिलाइजेशन किया है। अगर आप मोनोक्रोमेटिक लुक की तरफ जाते हो तो बहुत ही आसान रहेगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। मतलब एकदम हाई एंड वाले पिगमेंट नहीं है, अफोर्डेबल वाले पिगमेंट है, तो आप ले सकते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ बुरी है। फिर उसके बाद ये मनीष मल्होत्रा की पैलेट है, इसमें भी काफ़ी अच्छे शेड्स हैं, और ये है ब्लश, कॉन्टूर और ब्रॉन्जर, तो ये भी पूरा आई मेकअप के लिए भी चलेगा। और ये जो है मेरी सबसे फेवरेट पैलेट है प्रेडी ऑल सेट, इसके पिगमेंट्स भी एकदम हाई एंड वाले पिगमेंट्स हैं, और ये कोई मुआ थी उन्होंने रिकमेंड भी करी थी, तो उसके बाद वैसे मैंने ये परचेज नहीं करी है, मुझे कोलैब में ही मिली थी, और इसके पिगमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। इसमें कलर थ्योरी के हिसाब से नहीं दे रखे हैं, मतलब रैंडमली दे रखे हैं इन्होंने, वार्म अप कलर इस तरीके से दे रखे हैं। फिर उसके बाद ये है सबसे अच्छा लगा मुझे हाईलाइटर कलर एसेंस का, और इसी का मैंने भी कोलैब भी करा था, इसके तीन लिपस्टिक शेड्स भी आए थे इसका ना। एक्चुअली में ये हैंडी है तो मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, इसका ब्रश तो बहुत ही अच्छा है। मतलब नेक्स्ट है ये प्लम की लिप्स स्टिक्स, तो मैं इसका न्यूड शेड यूज़ करती हूँ, तो बहुत ही प्यारा है, रेड भी काफ़ी प्यारा है और ड्राई नहीं करता है, और जो न्यूड वाला है वो तो मेरा फेवरेट है, और ये कलर एसेंस वाली लिपस्टिक है उनका शेड है। ऑलराइट गाइस, तो फटाफट से मैं आपको दिखा देती हूँ, अरेंज मैंने कर लिया है। तो जो फर्स्ट ट्रैक है मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा है, उसमें नेल पेंट, लिपस्टिक्स और अपना आईलाइनर और काजल वगैरह रखे हैं, मस्कारा, तो ये पॉन्ड्स के लूज पाउडर हैं, ये मैंने इधर साइड में रखे हैं, बीच वाला सेक्शन है इसमें मेरे सारे काजल हैं, साइड साइड में मेरी सारी नेल पेंट्स हैं, और ये लिपस्टिक्स हैं जो बड़ी वाली हैं वो थोड़ी गिर रही हैं इधर उधर, बट ये मतलब हो गई हैं अरेंज। फिर उसके बाद साइड में मैंने रखी हैं लिपस्टिक्स, तो मैंने ये ऐसे ही छोटी सी बास्केट थी हमारे पास घर में पहले से थी, फ्रूट वाली बास्केट नहीं आती पेयर में, उसमें रखी है। फिर जो नेक्स्ट और है उसमें मेरे आई शेडो और फाउंडेशन है, मैंने कुछ भी चेंज नहीं करा है। ऑलराइट गाइस, तो ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल साफ हो चुकी है, और अभी मैं आपको अपना ड्रेसिंग टेबल का टूर देती हूँ। बहुत ही दिक्कत आई, और अभी भी फ्लोरिंग जो है वो क्लीन नहीं हुई है, बट ड्रेसिंग टेबल है वो पूरा सेट हो चुका है। प्लस अब मैं आपको ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, डायरेक्टली आपको दिखाती हूँ कि किस चीज़ में मैंने क्या रखा है। तो ओपन करके ये दिखा देती हूँ, ये मेरा मिरर है, ठीक है, जो बिल्कुल ड्रेसिंग टेबल से अटैच्ड है, और ये अंदर भी चला जाता है, और ये आप दीवार को इग्नोर करना क्योंकि इसमें सील ना रखी है, तो इस वजह से ऐसे हो रहा है, ठीक है। और ये रहा मेरा ड्रेसिंग टेबल, तो इसके लिए मुझे पूरे फ्रेम में लेने के लिए फोन हाथ में लेना पड़ेगा, और मैं नहीं आऊँगी। तो मैं आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ, तो ऊपर वाला सेक्शन है ये, इसमें मैंने पर्स रखे हुए हैं। पहले मैं यहाँ पर सारा सामान होल्ड करके रखती थी, और मैं भूल जाती थी कि मेरे पास ये वाला भी सामान है, तो यहाँ पे मैंने पर्स रखे हैं, ये दिखाई भी देंगे और मैं भूलूंगी भी नहीं। और ये जो नेक्स्ट सेकेंड सेक्शन है, और इसमें मैंने अपना स्किन केयर रखा है और डेली वाला सामान रखा है, और जो थर्ड वाला सेक्शन है इसमें मैंने रखी अपनी ज्वेलरी, जो सारी ज्वेलरी इसी में ही है, इसके अलावा और कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी इसमें नहीं है, मतलब पूरे घर में नहीं है, सिर्फ यही वाले सेक्शन में है। तो ये और ये मेरा पूरा ड्रेसिंग टेबल का लुक है, ये साइड में आपको दिख ही गया होगा, पहले भी दिखा दिया था, बट अभी ये फिलहाल जो है, और एक बैग जो है मैंने एक्स्ट्रा साइड में ऐसे स्टाइल मारने के लिए टांगा है, हालांकि वो पीछे भी आ सकता था। दो बड़े बैग हैं वो मैंने अपने साइड में रखे हैं, वो मुझे इसमें एस्थेटिक नहीं लग रहे थे, थोड़ा अच्छे नहीं लग रहे थे, तो ये वाली सेक्शन है, ये ज्वेलरी वाला जो है वैनिटी है, ये वाली शादी में मिली थी मुझे ये वाली, और ऊपर चूड़ा भी रखा, तो ये मैं आपको अलग से अलग वीडियो में दिखाऊंगी पूरी ज्वेलरी कौन कौन सी है मेरे पास और क्या क्या कलेक्शन है, तो उसके लिए अलग वीडियो आएगी। और मुझे कमेंट करना कि अलग वीडियो लेके आऊँ, और कमेंट में आप मुझे पर्पल हार्ट छोड़ देना, तो फिर मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगी, वैसे तो मेरे को लेके ही आनी है, बट स्टिल अच्छा लगेगा मुझे। और ये जहाँ मेरी डेली यूज़ वाली ड्रॉअर है, इसमें सारे स्किन केयर है मोस्टली, और ये ब्रश है, तो ये ऑर्गेनाइज़र है, ये भी मुझे कोलैब में मिला था, तो इसमें मैंने अपने सारे ब्रश रख लिए हैं। और ये जो पाउच है इसमें मेरी दवाइयाँ हैं, और ये ब्रश का इतना बुरा हाल कर रखा है, ये एक्चुअली पहले नहीं था, अभी जस्ट अभी साफ करते हुआ है, ये त्रिशा ने पूरा वो कर दिया, इसमें लिपस्टिक लगा दी, मुझे क्लीन करने पड़ेंगे।
अब गाइस मैंने ऑर्गेनाइज कैसे किया है, जो होर्ड वाला सामान था मतलब जो मुझे को बाद में यूज़ करना पड़ सकता है वो मैंने पीछे की साइड रख दिया ताकि वो दिखे भी मैं भूलूँ ना उसको, और जो मैं अभी डेली में यूज़ करती हूँ उसको मैंने अपने इस वाले ऑर्गेनाइज़र में रखा है जो कि मैंने अमेजोन से लिया था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और थोड़े बहुत जो मेरे प्रोडक्ट हैं जो मैं गो टू यूज़ करती हूँ उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये है बायोडर्मा का माइसेलर वाटर, ये भी काफ़ी अच्छा है मेकअप रिमूव करने के लिए, ये तो बेस्ट है। फिर ये पीछे लॉरियल का हाइलोरोनिक एसिड वाला सीरम रखा है, और ये तो आपने देखा होगा पहले बड़ी बॉटल थी वो खाली हो चुकी है, ये जो छोटी है ये अभी मैंने रख ली है। फिर पॉन्ड्स का और नीविया का मॉइस्चराइज़र है, ये भी मेरा गो टू प्रोडक्ट है। इसके अलावा भी मैं स्विच कर करके यूज़ करती रहती हूँ अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, तो ऐसा नहीं है कि मैं यही यूज़ करती हूँ, तो कुछ कुछ और भी मैं ट्राई ऑन करती रहती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है ये बायोडर्मा का, ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ड्राई स्किन वाली है ना जिनकी, उनके लिए तो बहुत अच्छा। फिर ये परफ्यूम्स कुछ रखे हैं मैंने, और बस थोड़ा बहुत जो मेरा डेली का सामान है, और इसमें पता नहीं मैं शायद क्लिप्स वगैरह रखूँगी, और इसमें क्या है इसमें तो हाँ अच्छा इसमें बिंदी है और थोड़े बहुत प्लकर है, तो इसमें भी अभी और सामान आएगा, क्लिप्स वगैरह जो है इसमें रख लूँगी। फिर ये फर्स्ट ड्रॉर है, इसमें मैं अपनी सारी वॉचेस रखती हूँ, चार्जर भी रखा हुआ है मैंने इसमें, तो वॉचेस नहीं दो तीन ही वॉचेस हैं मेरे पास, तो मैं यही रखती हूँ। इसमें से एक मेरी स्मार्ट वॉच है जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत अच्छी वॉच है। नेक्स्ट ये जो सेकंड वाली ड्रॉर है, इसमें लिप बाम और सिंदूर हैं सारे, लिप बाम लिप टेंट्स सिंदूर इस वाली ड्रॉर में है क्योंकि ये गो टू में यूज़ आते हैं, तो इसको मैंने ऊपर ही रखा है। बाकी लिपस्टिक वगैरह जब कोई मेकअप लुक क्रिएट करना होता है तो फिर मैं नीचे वाले सेक्शन में जाती हूँ जो प्रॉपर पूरा मेकअप करना होता है, और अगर डेली में कहीं बाहर जाना होता है तो ये इनफ है। फिर उसके बाद अभी मैं आपको फिर से पूरा लुक दे देती हूँ अपनी ड्रेसिंग टेबल का। तो ये फर्स्ट सेक्शन मेरा पर्स का सेक्शन है, नेक्स्ट ये जो मेरा गो टू वाला मेकअप है, और थर्ड जो है इसमें ज्वेलरी है जिसकी आपको अलग से वीडियो मिलेगी। फिर उसके बाद तीन ड्रॉर और है नीचे की साइड जिसमें है, पहले में मैंने मेकअप रखा है, लिपस्टिक्स आई लाइनर और मेरा नेल पेंट, ये सारा इसमें है। फिर उसके बाद नेक्स्ट और है आई शेडो और फाउंडेशन की आई मेकअप, और जो लास्ट वाली ड्रॉर है जो कि है मेरे हेयर टूल्स की, तो मेरे पास फिलहाल तीन ही हेयर टूल हैं, और एक और था वो ख़राब हो गया, मतलब ख़राब नहीं हुआ वो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता तो मैंने उसको हटा दिया, तो इसमें हेयर स्ट्रेटनर है, क्रिम्पर है, सब कुछ मतलब इसमें ड्रायर भी है। तो बहुत लोगों को क्वेश्चन रहता है कि मैं क्या सारा मेकअप यूज़ कर लेती हूँ, कि हाँ जो भी इस वाली अलमारी में है वो मेरा यूज़ हो जाता है क्योंकि मुझे वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं तो वो मेरे को यूज़ करना पड़ता है, और मेरा मेकअप सच में यूज़ हो जाता है जो भी पीआर में आता है। तो ऐसा नहीं है फाउंडेशन वगैरह लिपस्टिक वगैरह, हाँ, और हर बार मैं एक लिपस्टिक नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि मुझे लुक्स क्रिएट करने होते हैं, तो यस मेरा मेकअप जो है यूज़ हो जाता है, सारा यूज़ हो जाता है। नेल पेंट मेरी बहुत यूज़ होती है क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ में मुझे नेल पेंट लगा के ही डालनी पड़ती है ताकि प्रेजेंटेशन सही रहे, तो या मेकअप मेरा यूज़ हो जाता है। तो अभी भी अगर आपने साइड में सोना स्टार्ट नहीं किया है तो अभी आप अपने साइड्स पे सोना स्टार्ट कर दीजिए, एंड प्रेफरेबली जो लेफ्ट साइड है उस पर सोना स्टार्ट कर दीजिए। तो हम प्रेगनेंसी के टाइम पर उल्टा लेट के नहीं सो सकते, सीधे नहीं सो सकते, राइट साइड पे हाँ सो सकते हैं, बट उतना जो है ऑक्सीजन लेवल और उतने न्यूट्रिएंट्स बच्चे को नहीं मिलते, तो इट्स बेटर, डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं। एंड ये जो भी इंफॉर्मेशन है, मैं वीडियो देख रही थी मैत्री करके एक यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पर आई डोंट नो डॉक्टर का क्या नाम था बट मुझे चैनल का नाम पता है, तो उन्होंने ये सब बातें बताई हैं, तो इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। तो कोई भी बातें मैं बताती हूँ तो सबसे पहले मैं उसकी रिसर्च करती हूँ फिर मैं बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, अब अपने लेफ्ट साइड में सोना स्टार्ट कर देना चाहिए, वैसे तो आपको डे वन से ही सोना स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन हाँ हम उतने कंफर्टेबल नहीं हो पाते तो आपको लेफ्ट साइड में सोना स्टार्ट कर देना चाहिए, इससे बच्चे को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिलती है। अब बात करते हैं मेरी हेल्थ के बारे में। कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हूँ और कभी कभार मतलब मुझे थोड़ी डिजीनेस रहती है, बट या मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक्टिव रहती हूँ। एंड यस मेरे को थोड़ा ब्रेथ का इशू हो रहा है, मतलब मेरे को हाँफ जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मतलब पहले यूजुअली नहीं इतना होता था लेकिन अब मुझे स्पेशली इस टाइम पर ब्रेथ इशूज़ होते हैं, तो इट्स नॉर्मल, डोंट वरी। एंड ये तो मेरे सारे बारे में बात हो गई, अब चलो बेबी के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और या
तो पहली प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में मेरा टमी साइज मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट प्रेगनेंसी, लेकिन इट्स ओके, मे बी मसल लूज हो जाती है तो इसलिए एक्सपेंड ज़्यादा होता है, तो दैट ओके, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ऑलराइट, सो अभी हम बेबी के बारे में बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उससे पहले मैं चेक कर लूँ कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, नहीं सारी बोलना सब बेकार जाएगा। थैंक गॉड वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था, फटाफट बीच में ऐसे चेक कर लेने चाहिए, नहीं तो हम दोबारा स्टार्ट करते तो जो कुछ कुछ बातें होती हैं वो हम भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसा मेरे साथ तो कई बार होता है, मेरे को थोड़ा वीडियो देखने में, क्योंकि मैं बैक कैमरे से शूट कर रही हूँ यार, बैक कैमरे से शूट करने में बहुत दिक्कत होती है, फ्रंट से क्वालिटी नहीं आती और बैक से शूट करो तो पता नहीं चल पाता। ऑलराइट, सो या बेबी के बारे में, ओके, तो बेबी का जो वेट है वो है 5 ounce हो चुका है वेट, एंड अगर उसके लेंथ के बारे में बात करूँ तो लेंथ हो चुकी है 5 inches, या और उसका साइज अप्रॉक्स टर्निप के अराउंड हो चुका है, और ओके, सो अब इस वीक से और 22 weeks से, मतलब इस वीक या 22 वीक से बेबी को जो है आपके हार्ट बीट की साउंड और मतलब इंटरनल ऑर्गन्स की साउंड सुनाई देनी स्टार्ट हो जाएगी अगले आने वाले कुछ वीक्स में, और शायद कुछ लोगों को अभी जो भी मतलब सेकेंड टाइम है उनको जल्दी फील हो जाती है मूवमेंट, तो मैं एक्चुअली मुझे फील होती है लेकिन मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी कन्फ्यूज रहती हूँ, रात के टाइम होती है और जब बिल्कुल ही मैं सुनने की ध्यान से कोशिश करती हूँ तब मुझे होती है मूवमेंट फील। तो या अब इस हफ्ते से लेके आगे आने वाले 22 weeks तक आपको या मूवमेंट जो है दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी, दिखाई नहीं फील होनी स्टार्ट हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी, ऑलराइट, दिखाई देती है वो थोड़ा लास्ट टाइम पे दिखाई। तो बस इतना ही, और मैंने बड़ी मेहनत से ऑर्गेनाइज करा और मैं इसे इतना ही ऑर्गेनाइज हो पाया, और आप मुझे उम्मीद करोगे, एक तो मेरे पास ऑर्गेनाइज़र बहुत कम है, तो दो तीन ही ऑर्गेनाइज़र हैं, तो उसी में मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया। ऑल्सो एक चीज़ और बतानी है मुझे कि मेरे पास ना पहले ना इतना सारा स्किन केयर था और इतना सारा मेकअप था कि वो इस अलमारी में नहीं आ पाता था, तो मुझे बाहर जो है एक अलमारी है हमारी, तो मुझे वहाँ पर सारा स्टोर करके रखना पड़ता, इनफैक्ट मंदिर में जो एक अलमारी है उसमें भी मुझे स्टोर करना पड़ता था, लेकिन अब मैंने अपना जो है प्रोडक्ट जो है जो मुझे यूज़ करना होता है मैं रख लेती हूँ, क्योंकि हाँ प्रोडक्ट आते हैं बहुत सारे, हम रिव्यू करते हैं, बट सारे प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम तो एक ही इंसान हैं, तो हम सारे प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो या जो प्रोडक्ट मैं ऑब्वियसली मैंने मेकअप नहीं खरीदा है, तो जो भी आते हैं मैं वो ही यूज़ करती हूँ, लेकिन सारे नहीं यूज़ कर पाती हूँ तो मैं वो गिव अवे कर देती हूँ। ऑल्सो स्किन केयर भी मेरा एक्चुअली कुछ पर्सनल स्किन केयर है, मैं वो परचेज करती हूँ, एंड कुछ स्किन केयर जो है वो मैं हिडन ट्रायल यूज़ करती हूँ, और हेयर केयर भी मैं नहीं परचेज करती हूँ, तो हेयर केयर भी मैं वही यूज़ कर लेती हूँ जो कलैब में आता है मुझे। मैं एक्चुअली अपने हेयर्स का इतना ध्यान नहीं रखती हूँ, मैं ऑयलिंग भी नहीं कर पाती हूँ इनफैक्ट, और पहले बहुत ध्यान रखती थी, बट अभी यार टाइम नहीं मिलता इसलिए ध्यान नहीं, और फ़ोन ऑफ नहीं हुआ था, स्पेस भर गई थी फोन की, तो वीडियो नहीं शूट हो पाया, मैंने पता नहीं क्या क्या बोला था, मुझे याद भी नहीं आ रहा, तो मैं फट आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो में, आप तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखना, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड यस डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई आईडी इज़